हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है SSC CHSL का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है 1 जुलाई से। सॉरी, मैं कल रिव्यू नहीं दे पाई क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस वजह से मैं बना नहीं पाई वीडियो। लेकिन आज मैं सेकेंड और फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू और टोटल शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में आप सबसे डिस्कस करूँगी, पार्ट वन और पार्ट टू करके। पार्ट वन में मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या पैटर्न था, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, और दूसरी वीडियो में आपको पूरा डिटेल में फिर उसके क्वेश्चन विद आंसर प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो एंड में लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या आया था। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आई थी, ठीक है, 25 क्वेश्चन थे। देखो, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, मतलब टोटल तो क्वेश्चन तो 100 थे, लेकिन वो एक क्वेश्चन दो मार्क्स का था। टोटल कितने में से होगा आपका, 200 मार्क्स का था पेपर, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन थे और क्वांटिटेटिव के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 25 क्वेश्चन। तो रीजनिंग में गुड अटैम्प्ट 22 से 23 है, जनरल अवेयरनेस में 14 से 16, क्वांटिटेटिव थोड़ा कैलकुलेटिव और लेंदी था तो 15 से 18, और इंग्लिश 19 से 21, ठीक है। इंग्लिश इजी थी और बोल रहे हैं कि जैसे प्रीवियस ईयर में था 2017 में, उसी टाइप के पूछे गए थे और सेम एग्जैक्ट ही थे। कुछ तो एंटोनिम, सिनोनिम और ईडियम फ्रेजेस वगैरह वहीं से उठाई गई थी। तो गुड अटैम्प्ट 100 में से 70 से 76 है, ठीक है। और देखो, नेगेटिव मार्किंग 0.5 डिडक्ट होंगे आपके ऑल सेक्शन से, और 80 मिनट्स हैं उनके लिए जिनके जो हैंडीकैप्ड हैं। वैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए 60 मिनट्स, मतलब वन आवर में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और आपकी स्पीड कितनी अच्छी है वो भी मैटर करेगा, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले कि इंग्लिश में क्या आया था आपको। इंग्लिश में तो देखो, स्पेलिंग करेक्शन के लिए ये वर्ड आया था, वैक्यूम। वैक्यूम की स्पेलिंग VACWM, और स्पेलिंग करेक्शन सैटेलाइट की आई थी, और सिनोनिम एडहेयर। एडहेयर होता है मतलब लगना, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या क्या आया था, फिलिंग दी ब्लैंक्स है, तो 2 क्वेश्चन थे इजी लेवल। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन थे 2 क्वेश्चन, इजी मॉडरेट। एरर डिटेक्शन के 2 क्वेश्चन थे और ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पे बेस्ड थे, तो ईजी थे काफ़ी। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन थे, जैसे 4-5 लाइन आपको दिए उसको आपको रीअरेंज करना था, तो ये ईजी टू मॉडरेट था। ईडियम फ्रेजेस 2 क्वेश्चन थे, ईजी लेवल के थे। सिनोनिम 2 क्वेश्चन इजी, एंटोनिम 2 क्वेश्चन इजी, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2 क्वेश्चन आए थे, इजी थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का 1 क्वेश्चन था। एक्टिव पैसिव में से आई थिंक 1 था क्वेश्चन, फ्रेज सब्स्टिट्यूशन में 1 क्वेश्चन था, और आपका 1 रह गया स्पेलिंग करेक्शन के 2 क्वेश्चन, और क्लोज टेस्ट पैसेज जो आया था आपका 5 क्वेश्चन थे, वो काफ़ी ईजी लेवल के थे। मतलब पैराग्राफ में आपको फिलिंग दी ब्लैंक्स दिए होंगे, आपको उसमें बताना था कि कौन सा वर्ड फिट कर रहा है, ठीक है। तो टोटल 25 क्वेश्चन थे, तो लेवल इंग्लिश का काफ़ी ईजी था, मतलब पूरे पेपर में सबसे ईजी सेक्शन इंग्लिश रहा, ठीक है। और अब देखते हैं क्वान्टिटेटिव जो था ना, ये थोड़ा ईजी टू मॉडरेट था, तो मॉडरेट लेवल का। लेकिन मॉडरेट क्यों, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव था और टाइम टेकिंग था ये, ठीक है। वेरी कैलकुलेटिव है, देखो क्वांट वर वेरी कैलकुलेटिव। देखो सबसे पहले कौन से चैप्टर, जो अरिथमेटिक सेक्शन है ना हमारा, जिसमें आता है आपका परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन वगैरह, इसके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखो 10 क्वेश्चन तो यहीं से बनेंगे। देखो परसेंटेज से 1 क्वेश्चन था इजी लेवल का, एवरेज का 1 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट, नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन था इजी, सिंप्लीफिकेशन का 1 क्वेश्चन इजी, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन था जो कि इजी टू मॉडरेट था, और स्पेलिंग, डिस्टेंस, ट्रेन में से 1 क्वेश्चन था इजी टू मॉडरेट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन था, ठीक है। तो 1 क्वेश्चन था इजी टू मॉडरेट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से देखो 2 क्वेश्चन थे इजी लेवल के थे, एलजेब्रा से 3 क्वेश्चन थे इजी टू मॉडरेट, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन इजी, मेंसुरेशन से 2-3 क्वेश्चन थे इजी टू मॉडरेट, ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट, और DI पूछा गया था आपसे, बार ग्राफ दिया हुआ था, किसी शिफ्ट में पाई चार्ट वाला भी दिया जिसमें सर्कल होते हैं ना, यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ, यहाँ पे कुछ दिया हुआ डाटा टेबल में, तो आपको रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज वगैरह निकालनी थी। तो 5 क्वेश्चन काफ़ी ईजी लेवल के थे ये, तो टोटल 25। देखो इसमें मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर के, एक तो आपके 10 अरिथमेटिक के क्वेश्चन वो कर लो, थोड़ा सा ज्योमेट्री का देख के जाओ और ट्रिग्नोमेट्री से देख के जाओ, ठीक है। बाकी आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, एलजेब्रा की क्वेश्चन देख के जाओ, ठीक है। अब देखते हैं हम रीजनिंग जो था वो काफ़ी इजी लेवल का था, एनालॉगी पूछी गई थी। मैंने आपको एनालॉगी पढ़ाया भी था, चैप्टर वाइज पढ़ा रही हूँ आजकल मैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा मेरा
वो वाली वीडियो नहीं दिखी है तो आप लोग वो देख सकते हैं, काफ़ी इजी लेवल के थे, 2 से 3 क्वेश्चन, एक ऑड वन आउट था वो भी मैंने आपको कराया, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन थे, इजी लेवल के थे, सीरीज़ के 2 क्वेश्चन थे, काफ़ी इजी लेवल के। सीरीज़ जैसे मैथ्स में आती है ना, जैसे मान लो एक तो स्क्वायर बेस्ड भी थी, जैसे 2 का स्क्वायर, जैसे 2 2 4, 3 3 9 और 4 4 16, तो 5 5 25। तो नेक्स्ट आपको बताना था तो 6 का स्क्वायर क्या था, 36, तो उस टाइप के आए हुए थे, ठीक है। और एक आया था आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन से, एक क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था, और डायरेक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं था। सीक्वेंस आई थी आपकी अल्फान्यूमेरिक सीरीज थी जिसमें अल्फाबेटिकल और नंबर होते हैं, तो 3 क्वेश्चन काफ़ी इजी लेवल के थे। कोडिंग डिकोडिंग मैंने आपको करवाई है, 3 क्वेश्चन इजी लेवल के थे। मैथमेटिकल ऑपरेशन कुछ नहीं होता उसमें, जैसे यहाँ पर लिखा ना 26 / 3 / 5, अगर बोलेंगे तो अगर तो फिर बस आपको क्या करना है, डिवाइड का मतलब जो भी है कुछ दिया होगा उधर, मान लो यहाँ पर सिंबल दे दिया है, ठीक है, एट द रेट का मतलब डिवाइड है और डॉलर का मतलब मल्टीप्लाई, तो बस आपको वो लिखना है पहले सिंबल का क्या क्या है, और उसके बाद बॉड मास करके बॉड मास लगा देना, ठीक है। और बाकी आपका आया था इसमें ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन था, इजी लेवल था। मिरर इमेज के 2 क्वेश्चन थे, इजी लेवल। वेन डायग्राम और सिलॉग्स का एक क्वेश्चन था, वेन डायग्राम के 2 क्वेश्चन थे। पेपर फोल्डिंग से भी एक क्वेश्चन था, इजी लेवल का था। तो ओवरऑल जो रीजनिंग है वो भी इजी लेवल की थी, ठीक है। अब देखते हैं हमारा जनरल अवेयरनेस, मॉडरेट आया हुआ था। देयर वर ओनली साइंस सेक्शन, जैसे आता है ना आजकल ट्रेंड चला हुआ था कि साइंस सेक्शन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब बिल्कुल ऐसा नहीं था। आपके करंट अफेयर से 10-12 क्वेश्चन थे, ठीक है, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन थे, तो जनरल जो साइंस है उसके 1-2 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। एक तो देखो कौन कौन से क्वेश्चन है, ये मैं बता देती हूँ अभी आपको। हु वाज द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया व्हेन इंडिया प्लेइंग अगेंस्ट इंग्लैंड। बांग्लादेश वॉन फर्स्ट वर्ल्ड कप अगेंस्ट होम। फुल फॉर्म ऑफ सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकोम्युनिकेशन होता है इसका, ठीक है। और हेडक्वार्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ये पूछे, 1-2 क्वेश्चन फ्रॉम साइंस सेक्शन से 1 या 2 क्वेश्चन थे। 124th अमेंडमेंट बिल किससे रिलेटेड है, 1 क्वेश्चन फ्रॉम लोकसभा इलेक्शन जो आए हैं, और जो मैंने आपको अभी PDF प्रोवाइड की थी कैबिनेट मिनिस्टर्स की, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी और पोर्टफोलियो वो ज़रूर देखे जाइए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्टेट की CM पूछे जा रहे हैं, गवर्नर पूछे जा रहे हैं, और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की कौन से निर्वाचन क्षेत्र से वो खड़े थे, ठीक है, इलेक्शन के लिए। और रामविलास पासवान कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। यूथ अफेयर मिनिस्टर कौन है। केमिकल स्मेल्स लाइक रॉटन एग्स किससे आती है, 1 क्वेश्चन रिलेटेड टू आसाम। ड्रेसिंग कल्चर विच आर द फॉलोइंग इज म्यांमार की करेंसी क्या है, ठीक है। और एक ही आया था MSME मिनिस्टर, हु वॉज पान सिंह तोमार। और भूपेंद्र हजारिका डैम कनेक्ट करता है आसाम को किस स्टेट से, तो ये अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है। चाइना शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच स्टेट ऑफ इंडिया। और एक क्या आया था, हु आर द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी, विच स्टेट सेपरेट करता है भूटान को नेपाल से, तो सिक्किम करता है, ठीक है। वो द डायरेक्टर ऑफ नरेंद्र मोदी ओमुंग कुमार हैं डायरेक्टर। और कैप्टन ऑफ 2018 वीमेन हॉकी टीम की कौन थी। राइटर ऑफ कामायनी, हु वर द ब्रिटिश प्रेसिडेंट इन 1886। पंचवटी ऑफ रामायण इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। रानी की वाव कहाँ पे है, गुजरात में है। विच स्टेट बैंड ई सिगरेट ऑन 31 मई टोबैको डे पे, आई थिंक तमिलनाडु। और गैलेना किसका ओर है, तो लेड का है, ये लेड का, लेड जिसे हम PB और हिंदी में सीसा कहते हैं, ठीक है। और देखो फ्रेंड्स, ये इंग्लिश के कुछ सिनोनिम पूछे गए थे, हिंद का और इनुएंडो। इनुएंडो मतलब होता है हिंट देना, ठीक है। एंटोनिम ऑफ सक्सीन्ट का एंटोनिम पूछा था। लास्ट ईयर रिपीटेड, देखो वो कैब है। क्लोज टेस्ट ईजी था। ईडियम फ्रेज था थ्रो इन द टॉल, और एक था टू वॉश लिनन इन पब्लिक। और स्पोक, और जो एनालॉगी के क्वेश्चन थे वो ऐसे थे, देखो स्पोक व्हील, तो वर्ड स्पोक व्हील पे डिपेंड करता है, तो वर्ड किसे, वर्ड से क्या बनते सेंटेंस, ठीक है। वेन डायग्राम था मिशन लेबर और रॉ मटेरियल पे बेस्ड था। और मैथ वर्क कैलकुलेटिव था, देखो इफ ट्रायंगल ऑफ साइड्स 25 सेंटीमीटर 24/7 एंड जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ BG, देन फाइंड द सर्कम रेडियस आपको फाइंड करना था, देखो। और एक और दिया हुआ था ABC ट्रायंगल दिए, DER द पॉइंट्स गिवन विद उनका रेशियो दिया हुआ है, DE इज पैरेलल टू BC, फाइंड एरिया ऑफ ADE एंड पैरेललोग्राम BCDE, ठीक है। एक था AQ + BQ + CQ की वैल्यू दी है, A² + B² + C² की वैल्यू दी है, A + B की दी है, तो आपको फाइंड करना था 4ABC, तो ये फार्मूला लगना था।
इसका ठीक है। और एक ये क्वेश्चन था देखो, ट्रिग्नोमेट्री का साइन स्क्वेयर ए माइनस कॉस स्क्वेयर ए माइनस थ्री कॉस ए प्लस टू, तो इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे एसएससी सीएचएसएल सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू और इनमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे। और बाकी मैं फ्रेंड्स आपको अभी सेकंड वीडियो बताऊंगी उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या क्या उनके आंसर है, वो सारी डिटेल में एनालिसिस बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चों तक ये नॉलेज पहुँच पाए, ठीक है। और जिनका भी अभी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, करंट अफेयर जीके पे फोकस कीजिए, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री और क्या कहते हैं आपका अरिथमेटिक पोर्शन, ठीक है, इन पे ज़्यादा जोर दीजिए अलजेब्रा वगैरह के। और रीजनिंग तो आप कर ही लोगे सब, इंग्लिश भी इजी लेवल है, ठीक है। थोड़ा ईडियम फ्रेजेस देख के जाओ पुराने पैटर्न पे, किस टाइप का क्या पूछा गया, तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।